Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay beta, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम? जी, biology का chapter number 4 जो है वो हम पढ़ रहे थे, cells and tissues. उसमें हमारा आज का टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू और आउट ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से पास आउट होते हैं वो हम पढ़ेंगे. उसके लिए जो हमारे पास सबसे पहला तरीका आ जाता है बेटा, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? किसी चीज़ का डिफ्यूज़ कर जाना. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन क्या है? किसी भी चीज़ की जो क्वान्टिटी है, जो उसकी मकदार है, उसे हम लेते हैं बेटा एज अ कंसनट्रेशन. यानी कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. That is along concentration gradient. Concentration gradient क्या होता है? Cell membrane के अंदर sodium और जो potassium ions होते हैं वो gradient जो है वो create करते हैं, जिसे हम concentration gradient का नाम देते हैं. अब ये जो diffusion है, ये किस तरह से diffusion का process काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एट्सेट्रा कैन क्रॉस ऑल मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन. जितनी भी गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, या जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो किस तरह से एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा? वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जिस तरह से हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो किस तरह से जो है वो एक्सचेंज होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. गैसेस जो हैं वो हमारे लंग्स के अंदर डिफ्यूज़ करती हैं. ऑल सेल्स डजंट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन. द डिफ्यूजन इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब डिफ्यूजन जो है वो दो तरह से होती है. सम टाइम्स सेल्स को जो है वो पास आउट होने के लिए या मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और सम टाइम जो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें गुजरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. तो जब बगैर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएंगे, उसके आर या पार जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. और अगर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए, उसमें से गुजरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम उसे नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का. यानी कि हमारे पास डिफ्यूजन की टू टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन, और दूसरे को जो है वो हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कि हम उसे क्या कर रहे हैं? हम उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं. व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कि एक तो मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन में से खुद ब खुद गुजर जाता है, लेकिन किसी मॉलिक्यूल को गुजारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के साथ अटैच करना पड़ता है, और जब वो प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन में से गुजरता है तो उसके साथ वो मॉलिक्यूल्स भी गुजर जाता है. तो इस तरह की जो डिफ्यूजन होती है उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. यानी कि हमने उसे क्या किया? हमने उसे फैसिलिटेट किया, हमने उसे प्रोटीन प्रोवाइड किया कि आप इसके साथ अटैच होकर मेम्ब्रेन में से गुजर जाएँ. अब ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कहाँ पे टेक प्लेस होती है? अ सेल डजंट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस, उसके बाद हमारे पास ऑस्मोसिस आ जाएगा. ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन.
अगर हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 पे जाएं तो वहाँ पे हमने पढ़े थे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस वाला जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो किसी चीज़ को अपने अंदर हल करता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिस चीज़ को हल किया जाता है यानी कि जैसे हम पानी के अंदर कोई चीज़ हल कर रहे हैं तो पानी हमारे पास है सॉल्वेंट, और अगर हम उसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं या चीनी ऐड कर रहे हैं तो शुगर या जो साल्ट है वो हमारे पास क्या है बेटा, वो हमारे पास है सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, ये मूवमेंट है वाटर की कहाँ से कहाँ तक, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन वो पानी जिसके अंदर जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम होगी वहाँ से वो मूव करेगा ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पे जो सॉल्यूट यानी कि जो शुगर है या साल्ट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जब वाटर मूव करेगा तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑस्मोसिस का। समझ आ रही है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, इसे गौर से सुनना है और उसके बाद इसे बुक से रीड आउट करना है, फिर भी समझ ना आए तो उसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टॉनिसिटी। द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सॉल्यूशंस बीइंग कंपेयर्ड। टॉनिसिटी हमारे पास क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी कंसंट्रेशन के अंदर जो सॉल्यूट की अमाउंट होती है उसे हम नाम देते हैं टॉनिसिटी का। टॉनिसिटी की बेस पे हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक एंड आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। सबसे फर्स्ट है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हमारे पास क्या होते हैं, अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो कम होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल होगी उसे हम कहेंगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक थी पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और दूसरी हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ मूव कर रही थी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, कम वाले की तरफ। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके ऑपोजिट है, यहाँ पे इन्होंने मूव करना है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं या हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बेटा, आज का हमारा लेक्चर जो है या जो हमारा क्लास वर्क है वो बस इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो हैं वो ज़रा कल की डायरी नोट कर लें, कल के लिए जो है आज हमने जितना भी पढ़ा है, आज हमने पढ़ा डिफ्यूजन, पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पढ़ा उसके बाद हमने टॉनिसिटी पढ़ा, टॉनिसिटी के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, और लास्ट पे जो है वो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया। इन सब टॉपिक्स का या इन सब डेफिनेशंस का जो है वो आप टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ओके जी, क्लास वर्क की तरफ आ जाएं। आज हम क्लास में क्या करेंगे, क्लास में जो है वो आप लिखेंगे टॉनिसिटी, टॉनिसिटी वाला टॉपिक जो है, यानी कि टॉनिसिटी की डेफिनेशन और थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की डेफिनेशन जो है वो इन्हें आप नोट डाउन करेंगे। लिखने का तरीका वही है, डे एंड डेट पुट करेंगे, क्लास वर्क की हेडिंग देंगे, उसके बाद टॉपिक हेडिंग, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।